तो बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि भाई आप माइक कहाँ पे रखते हो हेलमेट में। तो ये देखो गाइस, जितना भी हम यूज करते हैं मोटो ब्लॉगिंग के लिए वो सारा कुछ हम आप लोगों के सामने रख दिए हैं और बस यही सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं। तो पहला आता है अपना GoPro, GoPro Hero 9 Black, और ये सारी चीजों का हम प्राइस लास्ट बता देंगे। और ये रहा अपना माइक, ये है माइक अडेप्टर, ये रहा GoPro का केस, और ये है चीन माउंट जो हम यूज करते हैं, महंगा वाला नहीं है, सस्ता वाला है। और ये रहा हेलमेट जो हम यूज करते हैं, MT Thunder 4। तो पहला चेन माउंट ही है और इसको माउंट करना बहुत इजी है। ये वाला जो पट्टा है ना, इसको हम यहाँ से अंदर डाल लेते हैं। घुस जा। बहुत लोग हम देखे हैं करता ये है कि देखो ये वाला जो स्ट्रैप रहता है ना, पूरा मफलर के ऊपर से इसको टाइट करते हैं, तो मफलर जो है ना वो पूरा इसे घुस जाता है। अब मफलर नहीं रहेगा हेलमेट में तो विंड नॉइस थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, तो ये चीज़ें मत करना। जो दो पट्टा है ना, इसको हम ऊपर से इसे खींच के, और फिर इसका इधर लॉक सिस्टम रहता है, ये देखो ये दोनों लॉक सिस्टम रहता है, इसको आप अच्छे से टाइट करो। और आपको लग रहा है कि हाँ टाइट हो चुका है, तो इसको लॉक कर दो यहाँ से, देखो ये लॉक हो चुका है पूरा। ये कैसे माउंट होता है वो हम बता दिए, ये काफ़ी इजी है। और ये देखो मेरे हाथ में ये है GoPro, एंड ये आती है इस केस में, और ये इसमें आता है कुछ ऐसे, देखो देखो। और ये है माइक अडेप्टर, छोटा सा चीज़ है लेकिन बहुत काम का चीज़ है, ये ऐसे लगता है। और ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे जाएगा, ये देखो ये फिक्स हो चुका है। और ये जो माइक है, ये सोनी का माइक है जो हम यूज़ करते हैं, इसका ही प्राइस हम लास्ट में बता देंगे। इसका जो ये वाला जैक है, ये सीधे यहाँ पे आता है, देखो फुल मोटो ब्लॉगिंग सेटअप यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और बस इसको आप माउंट करो और चलते बनो। तो बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि भाई आप माइक कहाँ पे रखते हो हेलमेट में, तो हम दिखाते हैं कि हम माइक अपना कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, वैसे तो आप अलग अलग जगह पे रख सकते हो, आप कितना ऊंचा आवाज में बात करते हो उस हिसाब से, बट अगर आपका आवाज थोड़ा लो है तो फिर आप बिल्कुल सामने की तरफ रख सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादा लाउडली बोलते नहीं है। और अभी गौर से आप लोग देख लो भाई कि माइक कहाँ पे हम रखे हैं, देखो अभी क्लियर दिखेगा क्योंकि हम सब कुछ खोल दिए हैं। ये देखो माइक हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो माइक आपको दिखेगा ही नहीं क्योंकि हम माइक को बिल्कुल यहाँ पे रखे हैं अंदर में। ये पूरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप आप कंप्लीट हो चुका है, अब इसको बस आप ऑन करो GoPro यहाँ से, ये GoPro का पावर बटन है, और ऊपर में यहाँ से रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करने से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। तो हम इसको पहन लेते हैं, आप देखो हेलो तो सारी चीज़ें हम आई गेस अब क्लियर कर दिए हैं, और अब हमको नहीं लगता है कि किसी के अंदर कोई डाउट होगा कि हम कैसे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं और मेरा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप क्या है। तो आप बात करते हैं कि कितना कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा अगर आप ये सारी एक्सेसरीज लेते हो। तो पहला GoPro की GoPro 9 जब हम लिए थे तो हमको पड़ गया था 42,000, बट अभी फ़िलहाल में अनिल भैया के लिए हम लोग लिए हैं तो उनका पड़ा है 30,000, और ये पता नहीं कहाँ लेके जा रहा हमको। रही बात माइक अडेप्टर, वो छोटा सा दिखने वाला सामान का आपको पड़ जाएगा 4,500, और कभी कभी आप डिस्काउंट में भी ले सकते हो अगर ऑनलाइन आपको मिलती है तो। हम तो सारा कुछ ऑफलाइन ही लिए हैं शॉप से, तो हमको 4,500 पड़ गया था माइक अडेप्टर का। कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, देखा है रास्ता, चलो एंड वो छोटा सा सामान है बट वो बहुत काम की चीज़ है, अगर वो नहीं रहेगा तो आप बाहर से माइक यूज़ कर ही नहीं पाओगे। अगर ये देखो अमित हमको कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। एंड जो GoPro केस है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा 1500 के अंदर में ही मिल जाएगा, ऑफलाइन भी सेम ही रेट में मिलेगा। एंड लास्ट में आता है अपना माइक, तो माइक आप बोया का यूज कर सकते हो। हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप स्टार्टिंग टाइम में इतना महंगा ले लो, मतलब माइक हम लिए थे 1900 में ये वाली माइक, और
हमको वर्थ लगता है। मतलब हम बोलेंगे कि रोड का जो माइक है ना वो महंगा तो आता है, 7-8 हज़ार का आता है, बट उसके बाद अगर कोई माइक में आपको क्वालिटी मिलेगी ना तो वो इसी माइक पे मिलेगी, सोनी का माइक। और मेरा जो स्कॉट है ना उसमें ओगी भाई को देख लो, एलिस, सब कोई यही वाली माइक यूज़ करता है क्योंकि उनको पता है, वो लोग मेरा वीडियोस पहले से ही देख रहा था तो उनको मेरा ऑडियो अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए ये वाली माइक उन्होंने लिया है। इस माइक की खास बात ये है ना कि इसमें आपको ना तो बैटरी देखने को मिलेगी, ना ही इसमें कोई अलग से एक होता है ना क्या जैक मिलता है अलग से, 2 पिन वाला 3 पिन वाला नहीं पता हमको, वो वाली जो लगती है ना इसमें वो झंझट नहीं है। आप सीधे डालो और अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अरे भाई तो देखो आ चुके हैं फिर से हम लोग कच्ची रोड से पक्की रोड। अरे 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 बच्चा लोग, और एक चीज़ हम आप लोग को बताना भूल गए थे, देखो हेलमेट और गोप्रो, ठीक है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं ना जिसको आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीद सकते हो। और हम जब स्टार्ट किए थे तो हम वेगा से स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लिए SMK लिए, फिर अभी हम यूज़ कर रहे हैं MT Thunder 4। बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि भाई आप माइक कहाँ पे रखते हो हेलमेट में, तो हम दिखाते हैं कि हम माइक अपना कहाँ पे रखते हैं। ठीक है, वैसे तो आप अलग अलग जगह पे रख सकते हो, आप कितना ऊंचा आवाज़ में बात करते हो उस हिसाब से, बट अगर आपका आवाज़ थोड़ा लो है तो फिर आप बिल्कुल सामने की तरफ रख सकते हो। यहाँ पे हम यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा लाउडली बोलते नहीं। तो अब पारी है ये वाली ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आप लोग को ये वाली ब्लॉग पसंद आई होगी, सो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट ब्लॉग जो आ रहा है उस पर हम अपना यूट्यूब पेमेंट रिवील करने वाले हैं, तो भाई आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो।